हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं KTM Duke 125 CC के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी जाकर वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को KTM Duke 125 CC के बारे में कुछ प्रोस एंड कुछ कॉन्स बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रोस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बाइक में जो सबसे अच्छी बात है, इस बाइक का डिज़ाइन देखने में दोस्तों 125 CC के ऊपर की बाइक लगती है। ये बाइक देखने में आपको 200 CC या उसके ऊपर की बाइक लगती है और देखने में ज़बरदस्त लुक्स के साथ आती है ये बाइक। और दोस्तों, KTM ने इस बाइक में जो भी पार्ट्स यूज़ किया है, अच्छी क्वालिटी का पार्ट्स यूज़ किया है दोस्तों फ्रंट में आपको अप डाउन शॉकर मिलता है। फेयरिंग भी अच्छी लगती है इस गाड़ी में। और गाड़ी का जो लुक्स है दोस्तों, इसको आप प्रोस में भी काउंट कर सकते हैं। बाइक का जो टायर साइज़ है दोस्तों, कंपनी ने वाइट टायर प्रोवाइड किया हुआ है इस गाड़ी में। टायर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है KTM ने। कूलिंग सिस्टम भी मॉडर्न है इस गाड़ी का। जो लुक्स है दोस्तों, गाड़ी का प्रीमियम लगता है। किसी किसी को कम सीसी में दोस्तों अच्छा डिज़ाइन के साथ प्रीमियमनेस चाहिए, तो दोस्तों उनके लिए ड्यूक 125 CC बेस्ट है। सेकेंड प्रोस के बारे में बात करें तो दोस्तों, गाड़ी का फीचर्स, इस गाड़ी का बहुत सारा फीचर्स दिया गया है कंपनी ने। जैसे कि आपको लिक्विड कूलिंग का फीचर्स मिलता है, सिर्फ आपको ड्यूक 125 CC या RC 125 CC में ही मिलती है दोस्तों। और दूसरा और कोई कंपनी आपको लिक्विड कूलिंग का फीचर्स नहीं देता है 125 CC में दोस्तों। और दोस्तों, ये गाड़ी आपको नेकेड में मिलती है दोस्तों। इस बाइक में आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिलता है, जो और कोई दूसरा कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। थर्ड प्रोस के बारे में बात करें तो दोस्तों, कंपनी ने इस गाड़ी में वाइट टायर दिया हुआ है, जो और कोई दूसरा कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। अप डाउन शॉकर मिलता है इस गाड़ी में, और ये भी कोई दूसरा कंपनी आपको 125 CC सेगमेंट में आपको अप डाउन शॉकर नहीं प्रोवाइड कराता है दोस्तों। और दोस्तों, ये बाइक बहुत पावरफुल बाइक है दोस्तों। 125 CC में ये बाइक बहुत पावरफुल बाइक है, जो किसी भी 150 CC बाइक को भी बीट कर दे दोस्तों, फेल कर दे दोस्तों। लेकिन इस बाइक का प्राइस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इस बाइक का प्राइस ज़्यादा है। इस बाइक में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं, उनमें से एक दो है, जैसे कि आपको ABS मिल जाता है दोस्तों, इंजन किल स्विच मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी का जो प्राइस है, उसके हिसाब में आपको आराम से 200 CC या उसके ऊपर का कोई भी बाइक आराम से मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों इस बाइक का कुछ प्रोस। और चलिए कुछ दोस्तों अभी कॉन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस बाइक में ज़्यादा नहीं, एक या दो कॉन्स ऐसे हैं जो किसी किसी को मैटर करेगा और किसी किसी को मैटर नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, प्राइस के हिसाब से आपको आराम से 200 CC या उसके ऊपर का कोई भी बाइक मिल सकता है, जो इस बाइक के मुकाबले अच्छा परफॉर्म करती है। सेकंड कॉन्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, इनिशियली पिकअप इस बाइक का बहुत लैक करता है। जैसे कि आपको 14.6 PS की पावर मिलता है, 12 Nm का टॉर्क मिलता है, और ये लाइट वेट बाइक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, गाड़ी का इनिशियली पिकअप आपको थोड़ा लो मिलेगा दोस्तों। और ये बाइक जैसे हायर RPM में आप चलाते हो, यानी आप 6000 या 7000 RPM में जैसे आप चलाते हो, तब जाके दोस्तों इस गाड़ी का पिकअप आप फील कर सकते हो। उसके लिए देखिए दोस्तों, आपको खुली रोड चाहिए। इस बाइक का पिकअप फील करने के लिए आपको खुली रोड होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको इस गाड़ी को लेके ये कुछ प्रोस एंड कुछ कॉन्स बताना था। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी जाके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि आप लोग के लिए ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँ।
और दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।